छत्तीसगढ़ी भाषा व व्याकरण से पूछे गए प्रश्न देखेंगे जो आपके हौसल बढ़ाना और महिला पर्यवेक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द हैं दांत निपोस। तीसरा है, उब जाना के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द है अस्कट। छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुल्हा का अर्थ है, तो झुलफुल्हा का अर्थ होगा सूर्यास्त का समय। कपिला शब्द का अर्थ क्या है, तो कपिला शब्द का अर्थ भूरा या सफ़ेद रंग की गाय। घोघिया पठारी किसे कहते हैं, ये व्यापम और पीएससी में दो बार पूछा गया है। तो श्राद्ध कर्म संपन्न करने वाला ब्राह्मण। बरहर का अर्थ है बरोड़ा, ये भी व्यापम में पूछा गया है 2019 में। छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडई किसे कहते हैं, भंडई का मतलब होता है चप्पल, ठीक है। ये भी आपका पीएससी एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है, गिरमा, ये भी पीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है, तो जसपुर, ठीक है। जो सदरी बोली होता है जसपुर में यह बोली बोली जाती है। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है, तो ये आपका महासमुंद, ठीक है। पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है, तो छंडवा कहलाती है। ये भी आपका व्यापम और पीएससी दोनों में पूछा गया है, ये आपका शायद 21 या 20 में पूछा गया था। हल की छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द है नांगर, है ना, खेत में नांगर जो जोतने के लिए जाते हैं ना, वही वाला है, ठीक है। रंधनी खोली किसे कहते हैं, रंधनी खोली का मतलब होता है रसोई के लिए कमरा, जो किचन कहते हैं, ठीक है, वही होगा। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन हम इसको टॉपिक में लाए हैं। अरकट्टा का अर्थ क्या होता है, तो छोटा रास्ता, ये शायद पीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था। लमचोची किसे कहते हैं, लमचोची आपकी लंबी चोंच वाली चिड़िया को कहते हैं, ठीक है। लमचोची का मतलब अलग मत समझना। लुरकी किसे कहते हैं, लुरकी आभूषण को कहते हैं, किसको कहते हैं, आभूषण को। इनमें से कौन सा भिन्न है, तो इनमें से कौन सा भिन्न है, छेरी। हम लिखत रहें का छत्तीसगढ़ी वाक्य है हमन लिखत।